आज हम दो तरह के नमकीन बनाएंगे। पहला प्लेन नमक पारे और दूसरा मसाला चटकदार मसाला नमक पारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। ये 2 कप मैदा है जो कि वजन में 500 ग्राम के करीब है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ सूजी ली है। सूजी मिलाने से नमक पारे काफी कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा ले लें, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ कलौंजी ली है। मुझे कलौंजी पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ सफ़ेद तिल मिलाया है, इसे ज़रूर डालें, ये बहुत ही अच्छा नटी टेस्ट देता है। नमक स्वाद अनुसार मिलाएं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ घी गरम करके मिलाया है। घी गरम करके मिलाएंगे तो आपके नमक पारे एकदम खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। चम्मच से मिक्स करें क्योंकि यह गरम है। अब हाथों की मदद से इसे मसल मसल कर मिलाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथेंगे। आटा जितना सख्त होगा तो नमक पारे उतना ही खस्ता बनेंगे। हल्का सा सख्त होना चाहिए, ज्यादा नहीं। मैंने 1/2 कप पानी का यूज किया है, पूरी का जैसा हम आटा लगाते हैं। आटा बस उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद डो को बोर्ड पे फैला लें और हमें इसे एक रोटी की तरह बेलनी है। जैसे हमारी रोटी चारों तरफ से एक बराबर पतली होती है, बस वैसे ही बेलना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे घुमा घुमा कर इसे बेल रही हूँ। चारों तरफ से एक बराबर हो, अच्छे से पतले से बेल लें। अब इसे अपने मनपसंद हिसाब से शेप में काटें। मैंने इसे बर्फी के शेप में काटा है, आप देख सकते हैं मैंने इसे बर्फी की शेप दी है। तलने के समय हमें मीडियम गरम तेल करना है, ज्यादा गरम नहीं करना है तेल, वरना नमक पारे हमारे नरम हो सकते हैं। मीडियम से लो आंच पर इसे चलाते हुए तलें ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा सिके। इन्हें घुमाते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते हुए तलना है। देखिए हमारे सुनहरे हल्के फुल्के नमक पारे तैयार हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है ना। तो इस तरह से हमने अपने प्लेन नमक पारे तैयार कर लिए हैं। अब बनाते हैं मसाला नमक पारे। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा लिया है जो कि 500 ग्राम के करीब। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे सूजी मिलाया है। 1 टेबलस्पून के करीब तिल, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून के करीब अजवाइन, 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक मिलाया, 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। इसे अपनी हथेलियों से मसल कर मिलाएंगे। चम्मच से सभी सामग्रियों को एक बार अच्छी तरह से मिला लें। मैंने मोयन के लिए यहाँ 3 बड़े चम्मच तेल लिया है और जो कि मैंने गरम कर कर मिलाया है। चम्मच से तेल को मिला लें। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। मोयन हमेशा मैदा के चौथाई भाग ही डालें। मोयन परफेक्ट डाला जाता है तो नमक पारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। मुट्ठी बंधने लगे, बस इतना ही मोयन चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया है जिससे हमारे नमक पारे काफ़ी हल्के और खस्ता बनेंगे, जो कि 1/2 कप के करीब है। आप देख सकते हैं मैं कैसे हल्के पानी के छींटे डाल डाल कर आटा लगा रही हूँ। हमने हल्का सख्त डो तैयार किया है। अब हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट के बाद डो को बोर्ड पर अच्छी तरह से मसल लें। उसके बाद चारों तरफ से घुमा घुमा कर पतले से बेल लें। इस चारों तरफ से बराबर बेलने होने चाहिए ताकि हमारे जो नमक पारे हैं वो काफी कुरकुरा, खस्ता और एक समान हो। अब हम इसे काटते हैं। पहले इसकी पट्टी बना लेते हैं इस तरीके से, साइड से काट रहे हैं। साइज आप अपने पसंद से छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब इसे मैं बर्फी के शेप में काटने वाली हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने इसे किनारों से काटना शुरू किया है जो कि बर्फ़ी शेप का है। मुझे ये शेप काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने इसे बर्फ़ी की शेप दी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके शेप दे सकते हैं। अब इसे चाकू की हेल्प से हम इस तरह से निकालते हैं। अब इन्हें हम डाल लेते हैं तलने के लिए। इन्हें घुमाते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते हुए तलते हैं। ऑयल मीडियम गरम है, फ्लेम को एकदम धीमा कर लिया है। अगर फ्लेम भी तेज रहे तो ये जल्दी से तल जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे। हमें इन्हें कुरकुरे बनाना है तो फ्लेम एकदम धीमी है और हम इसे इस तरीके से चलाते भी रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे सुनहरे नमक पारे एकदम तैयार हैं। जब नमक पारे थोड़े गर्म हो तभी उसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून के करीब, जो कि आधी छोटी चम्मच होगी, काला नमक। अच्छी तरह से दूसरा ढक्कन लगाकर इसे ऊपर नीचे कर ले या फिर शेक कर ले, जिससे कि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। हमारी तीखी, चटपटी और मजेदार पारे तैयार हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।